नन्ही उंगली के साथ दो दो बालवीर। एक बालवीर अलविदा नहीं हुआ, ये दूसरा कहां से पैदा हुआ? राजा कालपरी, जिनकी आंखों में बुराई की काली लिपटी हो उसे अच्छाई और सच्चाई में फर्क कैसे दिखाई देगा? तिमनासा को मारने के लिए मदद चाहिए थी तो फिर अपने छोटे बालवीर को ही ले आते। इस प्रश्न की क्या जरूरत थी? तुम दोनों को ही खत्म कर देती मैं। पर चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा ही स्वागत कर देती हूं। तिमनासा को यह अभेद शस्त्र तैयार करने से रोकने का एक ही रास्ता है, इस ज्वालामुखी को तहस नहस करना होगा। तुझे क्या लगता है बालवीर, कि तू मेरे इतने दिनों की सरकार की तपस्या को ऐसे ही खराब कर देगा? काल लोक में आके मुझे मारेगा? मैं नहीं होने दूंगी। क्या तिमनासा, अपनी ही शक्ति को अपने ही हाथों नष्ट कर दिया? अगर दिल की सच्चाई से तुम सोचती तिमनासा, तो तुम्हें पता चल जाता कि असली बालवीर अपनी माँ के पास रहेगा। वो अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपने इस नादानी पर हमेशा पछताते रहना, क्योंकि अब मां को मैं अपने साथ लेकर जा रहा। बालवीर, इतना आसान नहीं है तिमनासा से जीतना। तिमनासा के सर्वकाल शस्त्र को तो मैंने नष्ट कर दिया, लेकिन मैं मां को नहीं बचा पाया। मैं अपनी योजना में असफल हो गया शौर्य। बालवीर, तिमनासा के पास सर्वकाल शस्त्र के अलावा भी कई खतरनाक शक्तियां हैं। इस हार का बदला तिमनासा जरूर लेगी। तिमनासा, बालवीर जरूर वीर लोग गया होगा। हमें तुरंत ही वीर लोग पर हमला कर देना चाहिए। कालपरी सही कह रही है, अचानक हमला करना सही रहेगा। वो लोग तो इस वक्त बालवीर की जय जयकार करने में मशरूफ होंगे। वीर लोक में इस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता कि हम उन पे हमला कर सकते हैं। बस बहुत हो गया लुक्का छुपी का खेल। कोई हमला नहीं करेगा उस वीर लोक पर।
तो पृथ्वी चल के उत्तराधिकारी को खत्म कर देते हैं। तुम शायद भूल रहे हो भैमार, क्या वो उत्तराधिकारी नहीं बल्कि बालवीर बन चुका है, शक्तिशाली हो चुका है वो। जिसे तुम पहले नहीं मार सके उसे अब क्या मारोगे? तो अब हम क्या करें? अपनी बर्बादी पर ताली बजाए। इतना छोटा शरीर और इतनी लंबी जबान, एक हथियार नष्ट होने से तिन्नासा के सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते? ऐसे बहुत सारे तोहफे रखे हैं तिन्नासा ने वीरलोक के लिए। मैं जानता हूं तुम इस समय बालपरी को वापस लाना चाहते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें इस समय बालवीर होने का फर्ज निभाना होगा। पूरे संसार को तिन्नासा से बचाना होगा। काल शस्त्र। इस शस्त्र से क्या होता है तिम्नासा? ये पृथ्वी देख रहे हो, किस रंग की है? यहां से तो नीली दिख रही है महारानी, लेकिन जब ये नील काल शस्त्र इस पृथ्वी पर जाकर गिरेगा तो ये पृथ्वी नीली नहीं काली हो जाएगी। भैरानी, नील अकाल काली धरती, नन्ही उंगली की कसम, समझ तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप विस्तार से समझाएंगे तो जरूर आ जाएगा। रहने दो, सब समझ आ जाएगा जब ताली, सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब मैं देखती हूं कि तू कैसे इस नील अकाल शस्त्र से अपने पृथ्वी वासियों को बचाता है बालवीर, क्योंकि तू अगर जरा सा भी चूक गया तो पृथ्वी का हर एक जीव तिम्नासा की फौज का सिपाही होगा। तिम्नासा से इस संसार को बचाकर बालवीर होने का फर्ज निभाना है तुम्हें। बालपरी को सही समय आने पर बचाएंगे बालवीर। ये क्या है शौर्य? ये संकेत यंत्र है। तिम्नासा या काललोक से कोई भी अगर पृथ्वी पर हमला करेगा तो यह संकेत यंत्र बज उठेगा, ताकि हम समय रहते तिम्नासा को जवाब दे सके। हाँ बालवीर, अब तुम जल्द पृथ्वी पर जाकर विवान को तैयार करो तिम्नासा की नई शक्तियों से लड़ने के लिए। ठीक है शौर्य, अभी तो मैं पृथ्वी पर जा रहा हूं, लेकिन जल्दी माँ को बचाने के लिए काल लोग जरूर जाऊंगा। चलिए पानीपरी, पता नहीं विवान ने जादू से अब कौन सी नई शरारत की होगी। फिर से कोई मुसीबत अंदर है, उससे पहले मैं दरवाजा ही लॉक कर देता हूँ। घर की मुसीबत घर में रहेगी तो अच्छा रहेगा। मम्मी, मम्मी कहाँ गई होगी? अगर मम्मी ने खुद को बिना सर के देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मम्मी कहाँ होगी? रूम में ही होगी। ओ, इसका मतलब मम्मी खुद को पूरा देख पा रही है, सिर्फ दूसरे लोगों के लिए उनका सर गायब हुआ है। विवान, क्या कह रहा था तू? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि। अच्छा वो छोड़, फर्श साफ कर दिया? हाँ, मैं वही कह रहा था, थोड़ा बहुत बाकी है, वो मैं बाद में।
अब बोलो नहीं, सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ टिफिन के पैसे लेने के लिए, तुम यहीं घर पर ही रहना। पर गए, बाहर की मुसीबत अंदर ना है, ये सोच के मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन या तो घर की प्रॉब्लम बाहर जा रही है। मम्मी, मम्मी रुको, मम्मी, मम्मी रुको। अरे क्या हुआ? अरे रुको ना। क्या हुआ? मम्मी, वो आज मैं फील्ड ट्रिप पे जा रहा हूँ ना, तो मुझे तैयार करके नहीं भेजोगे? शादी में जा रहा है जो तैयार होना है। अरे अब मुझे परेशान मत कर विवान, मुझे देर हो रही है, अब बोलो नहीं, हटो। एक लास्ट टाइम जादू ट्राई करता हूँ, वो कभी ना कर जिसका है डर। लड़को प्लीज मम्मी का सर वापस कर। यस! अब क्या हुआ? पागल, वाह विवान, तेरे हाथों में तो जादू है जादू। यस, जादू है। यस। विवान, ये तुम्हारे हाथों का नहीं, हमारे हाथों का जादू था। जरा सोचो, अगर हम लोग वक्त पर नहीं आते और करुणा जी का सर वापस नहीं लाते तो क्या होता? ये सोचने की। पर हमें बात करने की बहुत जरूरत है अभी। आपको लगी मेरी बात? दरअसल बालवीर, इसमें हमारी गलती है। मैं और वायु परी पहले गिर पड़े जी, और फिर दादाजी के साथ बात करने में उलझ गए थे, और उसी वजह से हम विवान पर ध्यान नहीं रख पाए। है, आपकी गलती तो है, लेकिन आपने अपनी गलती स्वीकार की, और विवान जिसने चिंटू को गायब कर दिया और अपनी माँ के सर को भी, वो चुप बैठा है। तुम अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो? ब्रो, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो ही चुकी है, फिर सफाई देने की क्या बात? विवान, तुम्हें जो शक्तियां मिली है वो मजाक नहीं है, ना ही कोई खिलौना है। अगर तुम अपने मन को काबू नहीं कर पाए तो तुम उन शक्तियों को भी काबू नहीं कर पाओगे, और कभी भी एक सिद्ध पुरुष नहीं बन पाओगे। पहले मुझे बालवीर तो ठीक से बनने दो, मुझे ये वृद्ध पुरुष क्यों बना रहे हो पार्टनर? वृद्ध पुरुष नहीं, सिद्ध पुरुष। हाँ, लेकिन वो होता क्या है? दुखेश मनो उद्विग्न मना। कहना क्या चाहते हो ब्रो? अध्याय दूसरा, श्लोक 57। भगवत गीता के अनुसार जो इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है, उसे ना दुख तोड़ पाता है और ना ही कामयाबी भटका पाती है, और वही इंसान सिद्ध पुरुष कहलाता है। मैं तो सलमान भाई बनने निकला था और बालवीर बन गया, आप ये सिद्ध पुरुष क्या है ब्रो? ब्रो, मुझे फटाफट से बालवीर की बाकी सारी शक्तियां दे दो, ताकि मैं दुनिया को बचाने वाला इम्पोर्टेंट काम कर सकूं। पहाड़ पर चढ़ने से पहले पैरों पर खड़ा होना सीख लो। अब से तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। एक्सक्यूज मी पार्टनर, मैं भी सलमान भाई की तरह आई मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता, और अगर मुझे ऐसे ही ज्यादा परेशान करोगे ना तो नहीं बनना मुझे कोई बालवीर। बालवीर, हे गणपति बापा, अच्छा हुआ आपने मुझे ये नौकरी दे दी। अब इस नौकरी के चलते मैं अपनी सुतली की सारी जरूरतें पूरी कर लूंगी। यही है वो कारखाना जहां मेरी नील अकाल सेना तैयार होगी। भैमार,
कौन कौन है? अरे कौन है तुम? अरे छोड़ो मुझे। अरे अरे कौन? अरे, 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 अरे। कौन? अरे क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो तुम? हम यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ देने आए हैं। मुबारक हो, आज से तुम तिमनासा की नई सेना के पहले सिपाही हो। अब जाकर अपना काम शुरू करो। क्या भैरानी, आपने नीलाकार शस्त्र उसने इस्तेमाल किया और उसे लोहा बनाने भेज दिया? वो लोहा नहीं बल्कि अंदर जाकर नीलाकार शस्त्र की सेना तैयार करेगा। वो जिसे भी छुएगा उसके अंदर नीलाकार का जहर फैल जाएगा और फिर एक से सौ, सौ से हजार और हजार से लाखों की सेना तैयार होगी। ये योजना तो बहुत अच्छी है तिमनासा, लेकिन अगर बालवीर ने हमारी योजना पे फिर से पानी फेर दिया तो इस बालवीर के बारे में कुछ सोचना होगा। तो क्या तुम सच में बालवीर नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं जो भी बनता हूँ अपने स्टाइल से बनता हूँ, वरना नहीं बनता हूँ। तो ठीक, मैं किसी और को बालवीर बना देता हूँ। ऐसे कैसे बना दोगे ब्रो? ये दिखाई दे रहा है टीम सिलेक्शन हुआ है मेरा, और कह रहे हो कि वर्ल्ड कप किसी और से खिलवा लोगे? वाह, तुम्हें क्या लगता है ये छोटा सा निशान होने से ये तय हो जाता है कि तुम ही बालवीर? छोटा सा निशान नहीं, स्पेशल सा निशान बटर, आपने ही तो कहा था। विवान, स्पेशल तो हर बच्चा होता है, बचपन से ही हर बच्चे में बालवीर बनने की काबिलियत होती है, लेकिन मेरे साथ अभ्यास करने का मौका सिर्फ तुम्हें मिला है। लेकिन तुम तो बालवीर बनना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, मैं चिंटू को बालवीर बना देता। चिंटू, अपना चिंटू, वो सबको परेशान करने वाला चिंटू। परेशान तो तुम भी करते हो सबको। हाँ, लेकिन मैं लोगों की मदद भी तो करता हूँ। तो ठीक है, हम गोपू को बालवीर बना देते हैं, वो तो तुम्हारी पलटन का भी है। गोपू? वो है तो अच्छा कैंडिडेट, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उसमें बालवीर वाली बात नहीं है। अच्छा, और तुम में है? हाँ, उस एनाकोंडा ने सबको किसने मारा था? मैंने। और आपको उन किडनैपर्स तक कौन लेकर गया था? मैं। और वीर तिलक किसका हुआ है? मेरा। तो फिर? लेकिन तुम तो बालवीर बनना चाहते ही नहीं हो, तुम तो आई मी और माई सेल्फ के अलावा किसी की नहीं मानते। ए विवान, किधर है तू? कोकू ब्रो, इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बालवीर बनने के लिए तैयार हूँ, सिद्ध पुरुष विद्ध पुरुष सब बने को भी, और अब जैसा कहोगे ना मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है, बालवीर का तो काम ही यही है हमारे काम के बीच में टांग अड़ाना, लेकिन इस बार तिमनासा किसी और योजना के साथ आई है जिससे वो मात नहीं खाएगी। कालपरी, अरे बालवीर बच्चा थोड़ी है जो गेंद खेलने में उलझ जाएगा, और मान भी लो बालवीर को गेंद खेलना पसंद भी है, लेकिन ऐसी बदसूरत गेंद से मैं ना खेलूं बालवीर क्यों खेलेगा? तौबा तौबा, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। ये गेंद नहीं बल्कि एक जादुई यंत्र है, इस गेंद को जैसे ही कारखाने में रखा जाएगा इसके अंदर से जादुई तरंगे उत्पन्न होंगे,
जिसके असर से ना ही कोई कारखाने के बाहर जा पाएगा और ना ही वो बालवीर और उसकी बेवकूफ परियां उस कारखाने के अंदर दाखिल हो पाएंगी। लेकिन अंदर से अगर कोई बाहर नहीं जा पाएगा तो नील अकाल शस्त्र का जहर कैसे फैलेगा, तुम्हारी सेना कैसे तैयार होगी? एकदम सही सवाल है राजा, एकदम सही सवाल। क्योंकि भयमार नील अकाल शस्त्र के जहर को लोगों में चढ़ने के लिए 24 घंटे लगेंगे और तब तक कोई भी कारखाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसलिए अगले 24 घंटे तक बालवीर को कारखाने के अंदर पहुंचने से रोकना होगा और ये यंत्र ये दोनों काम करेगा। समझदार हो गए हो भयमार, बस 24 घंटे और फिर इस सृष्टि की कोई भी ताकत नील अकाल शस्त्र को तोड़ नहीं पाएगी। अब देखेगा बालवीर दुनिया की तबाही, रोक सकता है तो रोक ले अब तिमनासा को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।